हेलो। हेलो 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 हेलो, हेलो। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक हेलो हेलो, यस सर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एग्जामिनेशन सेक्टर से कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन की भी प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम रिलेशन के आते हैं पेपर में। ठीक है, तो रिलेशन स्टार्ट करने के पहले अपन उसके थोड़ा बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है रिलेशन, व्हाट इज इट बाय रिलेशन। ठीक है, यस सर। What do you mean by relation? तो रिलेशन स्टार्ट करने के पहले अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन ठीक है, देखो सपोज ए को मैंने एक मेंबर लिया। ठीक है, ए और बी दो मेरे मेंबर्स हैं। ए एंड बी आर एनी टू मेंबर्स। ठीक है, देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस टू नंबर इज डिनोटेड बाय जस्ट लाइक दिस ए कॉमा बी। तो ये जो दो नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर उसको अपन लिख सकेंगे ब्रैकेट में ए कॉमा बी, वेयर दिस ए इज कॉल्ड एज फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और बी को अपन बोलेंगे सेकंड मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड। ठीक है, ए इज कॉल्ड एज फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, से बी को बोलेंगे अपन सेकंड मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर। इसके बाद बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, सपोज ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है मेरे यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय जस्ट लाइक दिस। The Cartesian product of these two set A and B is denoted by A cross B, and this Cartesian product is a set containing ordered pair of the type A comma B. तो Cartesian product के जो member रहेंगे वो हमेशा ordered pair में रहेंगे। जैसे अपने simple set के element अपन A B C लिखते हैं ना, कोई भी set के element A B C P Q R, these are the element. वैसे ही दो set के बीच में जो product होता है उसको बोलते हैं Cartesian product, और जो Cartesian product के जो member रहेंगे वो हमेशा किस form में रहेंगे A comma B, where ये जो ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए से और स्मॉल बी करेगा कैपिटल बी से। कैपिटल ए से ये स्मॉल ए रहेगा और स्मॉल बी कहाँ बिलोंग करेगा? कैपिटल बी से। ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगी वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगी? ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट बी। क्लियर? यानी ये जो फर्स्ट मेंबर है इस ऑर्डर पेयर का, ये फर्स्ट सेट से रहेगा, जो सेकंड मेंबर है अपना सेट बी से रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा ये होता है। क्लियर? ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? ये यस सर। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए भी मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट ए एंड बी है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड बी क्रॉस ए, इसकी मेंबर भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे ऑफ द टाइप बी कॉमा ए, वेयर बी कहाँ से बिलोंग करेगा? कैपिटल बी से, और जो ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए। ठीक है, और ये याद रखना है A cross B is not equal to B cross A.
ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे कि सपोज मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 और मैंने सेट बी ले लिया, वो ले लिया मैंने ए एंड बी, ठीक है, तो इनका जो पार्टीशन प्रोडक्ट है, ठीक है, तो पार्टीशन प्रोडक्ट के जो मेंबर रहेंगे, देखो ये वन कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो मेंबर्स रहेंगे वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे, जिसका फर्स्ट मेंबर सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड मेंबर सेट बी से बिलोंग करेगा। ये देखो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर रहेगी वो 1, उसके बाद रहेगा 1, उसके बाद रहेगा 2, उसके बाद रहेगा 2, ठीक है, उसके बाद रहेगा 3, और यहाँ लिखूंगा 3, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर जो होते हैं वो मैंने अभी बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो मेंबर रहते हैं हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेंगे। अब कितनी ऑर्डर्ड पेयर रहेगी ये भी बता देता हूँ, ये देखो इस सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 elements, ये लिखा इनटू कर देंगे। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2, therefore कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में, जो ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो देखो उसमें 6 मेंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर? यस सर। सिंपल फार्मूला का बोला जाएगा कि एक सेट ये है, बी सेट ये है, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट टू सेट, तो सिंपल सा क्या करना, वो सेट ए की कार्डिनलिटी लिखने का, सेट बी की और दोनों के बीच में प्रोडक्ट कर लेना। वही अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं, बी क्रॉस ए लिखूं, तो अब बी क्रॉस ए में जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगी उसका जो फर्स्ट मेंबर है सेट बी से बिलोंग करेगा, सेकंड मेंबर सेट ए से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये रहेगी ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ठीक है, इसके बाद लिखूंगा बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, और यहां लिखूंगा बी कॉमा 3, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहां से पता चल गया ना कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दो नॉन एम्प्टी सीट, ठीक है, ए और बी क्या है इसके दो नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, देन ये दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे डिनोट करते पर ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये जो एक क्या होता है, एक रिलेशन कैपिटल आर, ये एक मेरा बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन कहां से कहां रहेगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी के बीच में डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, ये कैपिटल आर क्या है, एक मेरा बाइनरी रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है, सेट ए टू सेट बी, और ये जो रिलेशन होता है ये होता है इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, ये एक सबसेट होता है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसेट बोला है इसका मतलब ये जो आर के मेंबर है, अब आर क्या होता है, अब ये रिलेशन किसके बीच में डिफाइंड हो रहा है, ये सेट ए और सेट बी के बीच में, अगर ये रिलेशन आर सेट ए टू सेट बी के बीच में डिफाइंड हो रहा है, तो ये जो रिलेशन आर है ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी, यानी ये दो सेट के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका ये सबसेट होता है। अब सबसेट का मतलब याद करो, सेट में मैंने क्या बताया था, सबसेट का मतलब होता है एवरी मेंबर ऑफ दिस आर इज द मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी, आर का हर मेंबर इसमें होना चाहिए ए क्रॉस बी में, बट ए क्रॉस बी का हर मेंबर आर में होना कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट सबसेट बोला इसका मतलब आर का हर मेंबर कहां रहेगा, ए क्रॉस बी में। अब मेरे को एक चीज बताओ, आर अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इसका मतलब जो आर के जो एलिमेंट है वो भी ऑर्डर्ड पेयर में ही रहने वाले हैं, यस सर, ठीक है ना, क्योंकि आर को मैं ए क्रॉस बी का सबसेट बोल रहा हूं, इसका मतलब द एलिमेंट ऑफ आर इज आल्सो ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टाइप ए कॉमा बी, रहेगा ना ए कॉमा बी, जिसका फर्स्ट मेंबर सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड मेंबर सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है, तो इसका ये याद रखना है कि ये जो रिलेशन होता है ये हमेशा जिस दो सेट के बीच में डिफाइंड होगा तो उस दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका वो सबसेट होता है, उसका वो क्या होता है, सबसेट होता है, इसका मतलब जो रिलेशन रहेगा, रिलेशन क्या रहेगा, इसी ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर का मैं एक सेट बनाता हूं, इसी ऑब्वियसली
ये दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, अगर वो रिलेशन ये दोनों एलिमेंट अगर सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब वो आर में बिलोंग करेंगे। वो क्या करेंगे, वो रिलेशन आर अगर ये दोनों एलिमेंट के बीच में अगर होता है तो इसका मतलब वो सेट आर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो जैसे ये लिखता हूं मैं यहाँ पे, इफ ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी, देन 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 ठीक है, ए इज related to B, then A is said to be related to B if AB belong to R, ठीक है, और ये R किसका subset है, A cross B, R किसका subset है, A cross B, अगर ये small A small B से relate कर रहा है by the relation R, अगर A और B के बीच में relation R में है, इसका मतलब ये जो ordered pair कहाँ belong करना चाहिए, set R में, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि A related to B, इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस टू एलिमेंट, और वो रिलेशन क्या है तुम्हारा यहाँ पे आर, ठीक है, यानी ये दो एलिमेंट के बीच में कौन सा रिलेशन आ रहा है आर, तो उसको मैंने क्या लिखा बी, तो इसको अपन बोलते हैं ए रिलेटेड टू बी, तो ए रिलेटेड टू बी, इसका आप ये भी हो सकता है कि ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी आर में, इसका मतलब ए और बी के बीच में क्या है रिलेशन, ये आपको याद रखना, ठीक है, अगर A does not related to B, does not बोला तो इसका मतलब R के बीच में मैंने cross लिखा, अगर A does not related to B, इसका मतलब there is no relation R between this A and B, इसका मतलब होता है AB does not belong to R, ये AB R में नहीं रहेगा, AB R में नहीं रहेगा, but वो A cross B में present रहेगा, AB R में नहीं है, इसका मतलब वो A cross B में, अब जैसे देखो, A और B मैंने set ले लिया, A cross B ये मुझे मिल गया, और मैंने relation R एक define किया, वो रिलेशन लिया मैंने 1a 2b 3a 3b, ठीक है, अब मेरे को बता, देखो R की सारी ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में बिलोंग कर रही है, यस सर, अब R A क्रॉस B में बिलोंग कर रही है, इसका मतलब R तुम्हारा A क्रॉस B का सबसेट हो गया, R A क्रॉस B का सबसेट हो गया, तो ये जो सेट R है इसी को बोलते हैं रिलेशन, ठीक है, इसके बीच में डिफाइंड हो रहा है फ्रॉम सेट A टू सेट B के बीच, ठीक है, और ये R क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, अब ये देखो ये 1 कहां का मेंबर है सेट A का, स्मॉल A कहां का मेंबर है कैपिटल B का, अब अगर ये 1, A R में है, इसका मतलब ये होता है कि 1 और A के बीच में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, मींस 1 रिलेटेड टू A, या 1 रिलेटेड टू A का मतलब 1 A कहां बिलोंग कर रहा है R, ये इसका मतलब होता है, अब 2 भी R में है, 2BR में इसका मतलब है 2 और B के बीच में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है R, 3AR में है इसका मतलब 3 और A के बीच में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है R, 3BR में इसका मतलब 3 और B के बीच में क्या एग्जिस्ट हो रहा है रिलेशन R, ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, 1, B तुम्हारे R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1, B R में है या नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, नहीं है, A, 1, B R में एग्जिस्ट नहीं है, बट A क्रॉस B में, A क्रॉस B में प्रेजेंट है, यस सर, ठीक है, अगर 1, B डज नॉट बिलोंग टू R, तो इसका मतलब होता है 1 और B के बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब 1 डज नॉट रिलेटेड टू B, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, R में नहीं है लेकिन वो A क्रॉस B में प्रेजेंट, R में नहीं है बट वो कहां रहेगा, A क्रॉस B में प्रेजेंट, क्लियर, यस सर, ठीक है, ये तुम्हारा आर हो गया, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर, अब आता हूँ, हेलो, हाँ, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लेने का, डन सर, डन, अब जैसे ये देखो, एक खत्म सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ, सी ले लिया मैंने 2, 3, ठीक है, और डी ले लिया मैंने 8, 10,
सेट कॉमन, ठीक है, ये मेरे नॉन एम्प्टी सेट है, और ये जो रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है सेट ए टू सेट बी के बीच, ठीक है, और ये जो दूसरा रिलेशन है मेरा एस वो डिफाइंड हो रहा है सेट सी टू सेट डी के बीच, और ये आर गिवन है मेरे पास, आर इक्वल टू बी आर है यहाँ पे 2 6 2 8 2 6 2 8 3 10, और एस दिया है, और एस दिया है मेरा 2 8 3 10, ठीक है, तो अपने को निकालना है फाइन आर यूनियन एस, आर इक्वल आर माइनस एस, ये तीन चीज मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो ये रिलेशन आर कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है, ए क्रॉस बी में, राइट, डिफाइंड ए क्रॉस बी में, यस सर, और ये रिलेशन आर क्या दिया उसने 2 6 2 8 3 10, और एस रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है सेट सी टू सेट डी के बीच में, और वो क्या दिया है 2 8 3 10, अब अपने को आर यूनियन एस निकालना है, यूनियन का मतलब जो अपने सेट थ्योरी में पढ़ा वही डेफिनेशन, आर यूनियन एस का मतलब आर के भी मेंबर रहेंगे और एस के भी, और दोनों के भी रहेंगे, इसका मतलब आर यूनियन एस बनेगा 2.6 2.8 3.10, 2.8 ऑलरेडी हो चुका है, 3.8 भी ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हो गया तुम्हारा आर यूनियन, क्लियर? यस सर। उसके बाद निकालूंगा मैं आर इंटरसेक्शन, आर इंटरसेक्शन इसका मतलब दोनों में कॉमन, कॉमन दोनों में कौन सी ऑर्डर पर कॉमन है वहां पे 2 8 3 10 2 8 3 10, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आर इंटरसेक्शन एस, और आर माइनस एस, आर माइनस एस का मतलब ऐसी ऑर्डर पेयर जो आर में है बट एस में नहीं है, जो आर में है बट एस में नहीं है 2 6, तो वो 2 6 कहाँ रहेगा, आर माइनस एस, क्लियर? यस सर, ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है, सपोज एक मेरा रिलेशन आर भी है, ये मेरा कैपिटल आर क्या है, एक बाइनरी रिलेशन, डिफाइंड कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर बार, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस रिलेशन आर को मैं किससे डिनोट करूंगा, आर बार से, कभी इसको आर डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, हां, अब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर डैश से, क्लियर? अब ये क्या होता है, ये ऐसी ऑर्डर पेयर का सेट रहेगा, ऐसी ऑर्डर पेयर का सेट रहेगा जो ऑर्डर पेयर ए बी में नहीं रहेगी, डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी, यानी ऐसी ऑर्डर का पेयर का सेट जो R में नहीं है, जो R में नहीं है इसका मतलब वो R कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, ठीक है, R में नहीं है बट वो A क्रॉस B में रहेगा, ठीक है ना, R में नहीं है इसका मतलब वो A क्रॉस B में तो रहेगा बट R में नहीं है, R में नहीं है इसका मतलब कहाँ रहेगा, और कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर डैश इंप्लाइज ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, ये उल्टा साइड याद रखना, ए बी अगर आर में नहीं है इसका मतलब कहां बिलोंग करेगा, आर डैश है आर कॉम्प्लीमेंट, क्लियर? यस सर। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, ये ऊपर वाला देखो, ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये आर दिया है, यस सर, मैंने क्या बताया, अब मेरे को इसका आर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आर कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले अपने को ए क्रॉस बी बताओ क्या रहेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी बनेगा, बताओ मेरे को जल्दी से, 2 6 2 8 2 10 2 10 बाद में 3 6 3 8 3 10 क्लियर? अब अपने को इसका क्या निकालना है, अब इसका अपने को निकालना है आर कॉम्प्लीमेंट, यानी आर डैश, ऐसी ऑर्डर पेयर जो R में नहीं है बट A क्रॉस B में,
तो देखो आर में टू क्रॉस, आर में क्या आ रहा है, 2 6 आ रहा है, यस सर। तो इसका मतलब ये जो 2 x 6 है ये तुम्हारे आर डैश में नहीं रहेगा, क्लियर? यस सर। 2 8 भी नहीं रहेगा, यस सर। 3 10 भी नहीं रहेगा, तो बचे हुए कहाँ रहेंगे, ये 3 ऑर्डर पेयर आर में आ रही है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी की जो बची हुई ऑर्डर पेयर वो कहाँ बिलोंग करेगी, आर डैश, इसका मतलब आर कॉम्प्लीमेंट। तो ये बनेगा तुम्हारा 2 10 3 6 3 8 5 6 5 8 5 8 और यहाँ आएगा तुम्हारा लास्ट 5 5 10, क्लियर? यस सर। ठीक है ना, ये तुम्हारा आर कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इसके बाद मैं आता हूँ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? ठीक है, फिर से मैंने एक रिलेशन आर कंसिडर किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये आर क्या मेरा एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ दिस आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, आर इनवर्स से, क्लियर? और ये जो आर इनवर्स रिलेशन रहेगा ये डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। ठीक है, आर मेरा एक रिलेशन कहां से डिफाइन हो रहा है, सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, और ये कहां से डिफाइन होगा, बी टू ए। ठीक है, सच दैट B, A belong to R inverse if and only if A, belong to R, if and only if A, belong to R। इसका मतलब ये भी तुम लिख सकते हो, अगर B, A ये R inverse में है तो इसका मतलब A भी कहाँ रहेगा, R में रहेगा। अगर ए बी आर में है तो बी ए कहां रहेगा, आर इनवर्स में। तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है बी ए आर इनवर्स में है तो आई बी कहां रहेगा, आर में रहेगा, या तो ए बी आर में है तो बी ए कहां रहेगा, आर इनवर्स में, याद रखना, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे अपना एग्जांपल, अब ये सेट आर दिख रहा है तुम्हारा, ये yes, ये तुम्हारा रिलेशन आर है, क्लियर? अब इसका मेरे को आर इनवर्स निकालना है, तो इसका जो आर इनवर्स रहेगा बस क्या करना है, इसी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर लिखना है, जो सेकंड है उसको फर्स्ट मेंबर लिखना है। इसका मतलब वो रहेगा 6 2 8 2 10, क्लियर? ये हो गया तुम्हारा आर इनवर्स, क्लियर? यस सर। ठीक है ना, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा जो ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में दिया था उसमें क्या किया मैंने, उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, फर्स्ट को सेकंड पे लिखा, सेकंड को फर्स्ट में लिखा, तो इसका मतलब जो नई ऑर्डर पेयर रहेगी वो कहां बिलोंग करेगी, उसके इनवर्स में, यानी आर इनवर्स। तो कोई डाउट यहां तक? नो सर। इसके बाद अपन आते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लिया? यस सर। इसके तो कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, क्या किया कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, सपोज ये आर वन मेरा एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है सेट ए टू सेट बी के बीच में, कंपोजिशन ऑफ दिस रिलेशन आर वन एंड आर टू इज डिनोटेड बाय जस्ट लाइक दिस। ठीक है, देन द कंपोजिशन ऑफ दिस रिलेशन आर वन एंड आर टू इज डिनोटेड बाय सच सच लाइक दिस, और इसमें जो ऑर्डर पेयर रहेगी वो क्या लिखूंगा मैं, ए कॉमा सी। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग टू आर वन
एंड बीसी बिलोंग टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर वन, बीसी बिलोंग टू आर टू, तो जो ए कॉमा सी रहेगा वो कहां बिलोंग करेगा, आर वन पोजिशन आर टू, ए बी आर वन में है, बी सी आर टू में है, तो इसका मतलब ए सी कहां रहेगा, आर वन पोजिशन आर टू, आर वन पोजिशन आर टू, क्लियर? यस सर, ठीक है। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज ये मैंने पी ले लिया, तो ये एक ये चीज मेरे को बताओ, ये तो आर वन ए टू बी के बीच में है, आर टू बी टू सी के बीच में है, तो ये आर वन कंपोजिशन आर टू रहेगा, ये डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सी के बीच, इसका मतलब आर वन कंपोजिशन आर टू में जो भी ऑर्डर पेयर रहेगी उसका फर्स्ट मेंबर सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड मेंबर सेट सी से बिलोंग करेगा, क्लियर? यस सर, ठीक है। अब जैसे ये लिखा मैंने, एक मैंने सेट ए लिया एम्प्टी सेट, ये लिख सकता हूं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और ये मैंने पी रिलेशन, पी रिलेशन दिया मैंने, सपोज ये मैंने एक सेट लिया x 4 5 6, ठीक है, y लिया मैंने a comma b comma c, y a comma b comma c, और z लिया मैंने L, N, ये जो R1 relation defined हो रहा है from set X to set Y, जो R2 relation हो रहा है, ये हो रहा है from set Y to set Z, ठीक है, Y to Z, और ये जो R1 दिया है, ये जो R1 है, ये बना है हमारा 4B, या 5C, 6A, 6A, 6C, ठीक है, और ये R2 मैंने लिखा, R2 लिखा AM, BM, CA, ठीक है, अब इसका मेरे को कंपोजिशन निकालना, R1 कंपोजिशन R2, ठीक है, तो अपन क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल है, R1 composition R2 निकालना है, तो जो R1 composition R2 रहेगा, ये मैपिंग कहां से कहां डिफाइन होगा, from set X to set Z होगा, yes sir, इसका मतलब R1 composition R2 में जो ordered pair रहेगी उसका जो first member ये set X से belong करेगा, second member set Z से belong करेगा, clear? yes sir, तो ये देखो अब क्या करेंगे, R1 composition R2 निकालना है, तो अपन क्या करेंगे 4A, अब ये देखो, अब R2 में A से start होने वाली ordered pair होगा, और ए मैंने फर्स्ट ऑर्डर पेयर R1 की कंसीडर किया, अब ए से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर 4AAL, तो 4L रहेगा R1 कंपोजिशन R2, क्लियर? कैसे किया सर, 4A ये R1 की फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिया मैंने, यस क्लियर, अब इस ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर बताओ कौन है, ए, ए, अब R2 में A से स्टार्ट होने वाली ऑर्डर पेयर ढूंढेगा AL, यस सर, 4AAL, तो 4L कहां बिलोंग करेगा, R1 कंपोजिशन R2, अरे जस्ट लाइक फ्रेंड, ये AB का फ्रेंड है, BC का फ्रेंड है, तो AC का फ्रेंड रहेगा कि नहीं रहेगा, यस सर, बस वही कांसेप्ट में आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, अब फिर से ये देखिए 4A, अब A से M, ये भी स्टार्ट हो रहा है AM, इसका मतलब 4M R1 पोजीशन में रहेगा, अब A से स्टार्ट होने वाली और कोई नहीं है, अब 4 दूसरी ऑर्डर पे रहा, 4B BL, तो 4L रहेगा, यस सर, तो 4L ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4B BM, 4M ये भी हो चुका है, ठीक, यस सर, अब 5C, C से स्टार्ट होने वाली है CL है, और कोई ये नहीं है, 6A AL, यानी 6L बनेगा, 6L,
बाद में 6 MB आएगा, यस सर, बाद में और कोई नहीं, फिर 6C सेल, 6L ऑलरेडी हो चुका है, ये हो गया तुम्हारा कार्बन कंपोजिशन, यस सर। अब मेरे को जल्दी से बताओ तो आरविन इन्वर्स क्या होना चाहिए, कुछ नहीं करना, A4, B4, C5, A6, C6. और ये देखो, अब ये जो R इनवर्स में ये जितनी भी ऑर्डर पेयर है, ये फर्स्ट मेंबर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, Y से, यस सर, सेकंड मेंबर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, X, तो R1 तुम्हारा X to Y हो रहा है, तो R इनवर्स कहाँ से पार्टी कर रहा है, Y to X हो गई, ये चीज क्लियर, यस सर, विदाउट कंपोजिशन में, नो सर, ठीक है, ये तुम्हारे कंपोजिशन, इसके बाद अपन आते हैं यूनियन बता दे, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ये काम की चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या होता है ये देखो, ठीक है, उसमें की पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, सपोज ये मेरा आर एक मैंने बाइनरी रिलेशन लिया डिफाइंड ऑन सेट ए, अब डिफाइंड ऑन सेट ए का मतलब ये होता है सेट ए टू सेट ए, क्लियर, ये मेरा बाइनरी रिलेशन डिफाइंड कहां से कहां डिफाइंड किया है, सेट ए टू सेट ए के बीच में, और इसी को मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन कब, इफ इफ एवरी एवरी ए बिलोंग टू ए, इफ एवरी ए बिलोंग टू ए, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग टू, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, अगर एवरी ए बिलोंग टू ए, इसका मतलब ये होता है कि इस सेट ए का हर मेंबर खुद से ही रिलेट करना चाहिए, अगर इस ए का हर मेंबर खुद से अगर रिलेट करता है तब अपन बोलते हैं कि जो रिलेशन है वो कैसा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तब मैं क्या बोलूंगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा है मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर, हर मेंबर हो रहा है, एक मेंबर भी छूटना नहीं चाहिए, क्लियर, फॉर एग्जांपल ठीक है, ए बिलोंग टू ए लिखो या A related to A for all A belong to A, ऐसा लिखा तो भी चलता है, then you say that your relation is reflexive relation, ठीक है, ये suppose मैंने एक set A लिया, 1, 2, लिया, और इस set A के ऊपर मैंने एक relation define किया, 1, 1, 1, 2, 2, clear? Yes sir. अब मेरे को एक सेट ए में बताओ कितने मेंबर है, टू, कौन कौन से मेंबर, एक वन है एक टू है, अब रिलेशन आर में देखो ये दो मेंबर खुद से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, खुद से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब वन वन आर में है या नहीं है चेक करो, है सर, दूसरा मेंबर टू टू आर में है या नहीं है चेक करो, यस सर है, ठीक है, इसका मतलब इस सेट ए में जो दो मेंबर है वो खुद से क्या बना रहे हैं, रिलेशन आर बना रहे हैं, रिलेशन आर बना रहे, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन यू से दैट योर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर, यस सर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर, मान लो अगर मैंने ये हटा, अब मेरे को बताओ 1, 1 तो R में आ रहा है बट 2, 2 आ रहा है क्या आ रहा है, नो सर, ठीक है, अपने को रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेट A के हर मेंबर खुद से रिलेट करना चाहिए, 1, 1 से रिलेट कर रहा है लेकिन 2, 2 से रिलेट कर रहा है क्या यहाँ पे, नो सर, तो इसके वजह से 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू R, इस चीज के वजह से ये जो रिलेशन है इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब ये नॉट रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है नॉट रिफ्लेक्सिव को अपन बोलते इर रिफ्लेक्सिव भी बोलते. क्लियर? यस सर. नॉट रिफ्लेक्सिव का मतलब इररिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव का मतलब कम से कम एक भी ऑर्डर पेयर, एक भी उस ऑर्डर पेयर में, यानी जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर रहेगी वहां पे हर मेंबर खुद से रिलेट करना चाहिए. अगर एक भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं है. रिफ्लेक्सिव नहीं है इसका मतलब वो ऑर्डर क्या रहेगा? इररिफ्लेक्सिव रहेगा. तो ये चीज होगी क्लियर? यस सर. ठीक है ना. दूसरा मैं लेता हूँ सिमेट्री. सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ठीक है, फिर से मैंने एक बाइनरी रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. एक मैंने बाइनरी रिलेशन डिफाइन किया सेट ए टू सेट ए. ठीक है, और यही बाइनरी रिलेशन को मैं सिमेट्रिक रिलेशन बोलूंगा. लेकिन कब? इफ इफ ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए. ए बी अगर आर में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए? आर में. फॉर ए बी बिलोंग टू ए फॉर ऑल लिमिटर फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग टू आर. या ए और बी कहां का मेंबर है तुम्हारे? ए के. अगर ये ए बी ये ऑर्डर पेयर आर में है तो बी ए भी अगर आर में रहेगा तब मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा रिलेशन है ये कैसा है? सिमेट्रिक है. इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो A related to B implies B related to A. ठीक है, A related to B implies B related to A. Then you say that your relation is symmetric relation. तब मैं इस relation को क्या बोलूँगा? Symmetric relation. और हर ordered pair में condition satisfy करने को. Clear? Yes. इसका example है जैसे ये. ठीक है, ये मैंने set A लिया. 1, 2, 3. ठीक है, अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है चेक करता हूँ. देखो पहली ऑर्डर पेयर देखो है 1, 2. यस सर. सिमेट्रिक का मतलब ए बी अगर आर में तो बी ए भी आर में होना चाहिए. अगर 1, 2 आर में है तो 2, 1 भी आर में होना चाहिए तभी वो सिमेट्रिक बनेगा. yes, तो देखो 1, 2 आर में तो 2, 1 है. यस yes, सर है. अब दूसरे देखो 2, 1 आर में है तो 1, 2 भी आर में होना चाहिए. यस सर. यानी दूसरे ने भी वो कंडीशन सेटिस्फाई किया. तीसरे आओ पे 3, 2 आर में है तो 2, 3 भी आर में होना चाहिए. यस सर. ठीक है, हो गया. अगर 2, 3 आर में है तो 3, 2 भी आर में होना चाहिए. यस सर. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन. क्लियर सिमेट्रिक रिलेशन? यस सर. ठीक है, अब मान लो मैंने ये ऑर्डर पेयर बता दिया. ठीक, ये मैंने क्या आर यहां से 3, 2, 3 हटा दिए. देख फर्स्ट ऑर्डर पेयर ने तो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, दूसरे ने भी सेटिस्फाई कर लिया. अगर 3, 2 अगर R में है तो 2, 3 भी R में होना चाहिए तभी वो तुम्हारा सिमेट्रिक बनेगा. यस सर. बट 2, 3 R में बिलोंग कर रहा है क्या? नो सर. 2, 3 R में नहीं है और इस 2, 3 R में ना होने की वजह से तुम्हारा सिमेट्रिक बनेगा क्या? ये सिमेट्रिक नहीं. ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक. और नॉट सिमेट्रिक को अपन बोलते हैं असिमेट्रिक. ये रिलेशन क्या बन गया? असिमेट्रिक रिलेशन. बिकॉज 3, 2 बिलोंग टू आर. बिकॉज 3, 2 आर में है बट 2, 3 डज नॉट बिलोंग टू. दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. दिस इज नॉट सिमेट्रिक. इसका मतलब ये रिलेशन क्या बन गया? असिमेट्रिक रिलेशन. क्लियर? यस सर. ठीक है, इसके बाद आता हूं मैं ट्रांजिटिव रिलेशन. अब ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? ठीक है,
फिर से मैंने एक बाइनरी रिलेशन आर डिफाइन किया, कहां से कहां तक, सेट ए टू सेट ए टू सेट ए के, ठीक है। अब यही रिलेशन को मैं ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलूंगा, इफ ए बी और बी सी अगर आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी बी सी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है, यानी ए बी बी सी अगर आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। या तो तुम इसको ऐसा बोलो कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, ए बी से रिलेशन बना रहा है, बी सी से रिलेशन बना रहा है, तो ए सी से भी रिलेशन जब बनाएगा इसका मतलब ए सी जब आर में रहेगा इसका मतलब तब मैं बोलूंगा कि जो रिलेशन है वो कैसा है, मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन, तब मैं मेरे रिलेशन को क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब जैसे इसका एक आधा एग्जाम्पल होता, ठीक है, फिर से मैंने सेट ए लिया 1, 2, 3, ये मेरा रिलेशन आर में डिफाइन कर रहा हूँ, ये ले लिया मैंने 1, 2, यहाँ ले लिया मैंने 2, यहाँ लिया मैंने 1, यहाँ लिया मैंने 2, ठीक है। अभी अपने को चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो देखो 1, 2 देख लिया मैंने, 1, 2, ठीक है, यस सर, 1, 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाली ये है, यस सर, 1, 2 आर में है, 2, 1 आर में है, तो ट्रांजिटिव के लिए 1, 1 भी आर में होना चाहिए, यस सर, यस, तो देखो 1, 2 आर में है, 2, 1 आर में है, तो ये 1, 1 भी आर में है, प्रेजेंट है, यानी इस दो ऑर्डर पे ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो yes, फिर से मैं आता हूं, ये तो 1, 1 के लिए हो गया, ठीक है, फिर से ये देखो 1, 2 आर में है, है? 2 से स्टार्ट होने वाली ये भी एक ऑर्डर पे है, 1, 2 आर में है, 2, 2 आर में है, तो 1, 2 भी आर में होना चाहिए, यस सर, ये देखो 1, 2 आर में आ गया, इसका मतलब इसने भी सेटिस्फाई कर दिया, और कोई 2 से स्टार्ट होने वाली नहीं, यस सर। अब यहाँ पे 2, 1 से स्टार्ट करो, 2, 1 आर में है, 1, 2 आर में है, तो 2, 2 भी आर में होना चाहिए, है 2, 2 आर में, Yes. फिर से 2, 1 आर में है, 1, 1 आर में, तो 2, 1 भी आर में होना चाहिए, ये भी हो गया, यस सर, यानी इसने भी सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, और कोई बचा नहीं है, अब 1, 1, 1, 1, फिर से 1, 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
यस सर। एक ये भी रहेगा, वन 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 वन, तो वन वन भी आर में है, देखो वन वन आर में, ठीक है। वैसे टू 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 टू, यस सर, टू 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 वन, तो टू वन ये टू वन, यस सर। ओके, तो इसका मतलब रिलेशन क्या बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर? यस सर। अगर मैंने ये हटा दिया, ठीक है, टू वन आर में है, टू वन आर में है, यस सर। अब वन से स्टार्ट होने वाली ये वन टू आर में, टू वन आर में, वन टू आर में, तो टू टू भी आर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए। बट टू डज नॉट बिलोंग टू आर, टू टू डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर की वजह से ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इस ऑर्डर्ड पेयर की वजह से क्या हो गया, यस, नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर? यस सर, क्लियर। ये हो गई नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद मैं आता हूं इसके बाद आता हूं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, फिर से मैंने एक बाइनरी रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। एक मेरा बाइनरी रिलेशन कहां से डिफाइन होता है, सेट ए टू सेट ए, ठीक है। अब ये रिलेशन आर को मैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कब बोलूंगा, इफ
ए बी एंड बी ए, ए बी एंड बी ए ये दोनों आर में है तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ए बी और बी ए अगर आर में है तो ए इक्वल टू बी रहेगा, तब मैं मेरे रिलेशन को बोलूंगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देन यू से दैट योर रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? तो इतने तुमको रिलेशन याद रखना है। क्लियर? ये चीज क्या क्या बताया मैंने, रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्री। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब असिमेट्री, अरे वाह क्या बन गया तुम्हारा इररिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब वो बन गया एसिमेट्री। उसके बाद मैंने ट्रांजिटिव बताया और इसके बाद मैंने बताया एंटी सिमेट्रिक। अब अपन आते हैं इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस के ही प्रॉब्लम तुम्हारे गेट एग्जामिनेशन पूछते हैं। इक्विवेलेंस ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मेरा रिलेशन आर लिया। ये रिलेशन आर मैं कहां से का डिफाइन कर रहा हूं, दिस आर इज ए रिलेशन। ठीक है, आर मेरा एक रिलेशन है, कहां सेट ए टू सेट ए। अब ये रिलेशन आर को ही मैं बोलूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन आर को मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इसको अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बोलना है तो इसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने को। पहली कंडीशन ये है कि ये जो आर है ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। आर रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। क्लियर? यानी सेट ए का हर मेंबर खुद से क्या करना चाहिए, रिलेट होना करना चाहिए बाय दिस रिलेशन आर। दूसरा, आर इज सिमेट्री। दूसरा क्या है, आर इज सिमेट्री। सिमेट्रिक का मतलब यह होता है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी किससे रिलेट करना चाहिए, ए से। ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी किससे रिलेट करना चाहिए, ए से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए। क्लियर? और तीसरा, आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू। अगर तुम्हारा रिलेशन ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, मींस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, देन यू से दैट योर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तब मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा रिलेशन है ये कैसा है, तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी इक्विवेलेंस के लिए आपका रिलेशन क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, देन यू से दैट योर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये याद रखने का, ये नोट याद रखने, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ क्लियर, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन intersection of two equivalence relation is also equivalence relation. ठीक है, ये चीज याद रखना। क्या बोला है, the intersection of two equivalence relation is also equivalence relation। मतलब suppose मैंने R और S, ये दो क्या है मेरे, equivalence relation। ठीक है, ये दोनों क्या है मेरे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इंटरसेक्शन रहेगा वो भी क्या रहेगा, इक्विवेलेंस, वो भी क्या रहेगा, इक्विवेलेंस। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये याद रखना है।
यानी दो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी इक्विवेलेंस होता है, यूनियन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर ये चीज? यस सर। अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, एग्जाम्पल को बता देता हूँ, इससे तुम्हारा पूरा पिक्चर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में बता, ठीक है, इफ इज अ रिलेशन, ठीक है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय थ्री, इज डिविजिबल बाय थ्री, बी रिलेशन, ये रिलेशन डिफाइन टू दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, टू दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बोलो क्या बोला है यहाँ पे, एक रिलेशन दिया है आप, यह एक रिलेशन आर, ठीक है, क्या रिलेशन वो आर, रिलेशन आर कह दिया उसने, इस रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर रहेगी वो रहेगी ए बी, और वो भी ऑर्डर पेयर कैसी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख लेता सेट ऑफ इंटीजर, एक काम कर लेता सेट की लिखते के बजाय सेट ऑफ डिविजिबल बाय थ्री, इसी का मतलब ये होता है अगर ये ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी ये डिविजिबल बाय थ्री रहेगा। यस सर। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, इसको मैं इक्वेशन से गुणा कर लेता हूं, और अपने को क्या प्रूव करना है, टू क्या प्रूव करना है, हमने को आर इक्विवेलेंस बनाना है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आर इक्विवेलेंस बताना है इसका मतलब ये जो आर है ये आर तुम्हारा सिमेट्रिक होना है, असिमेट्रिक बोलता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसका मतलब आर इज दैट इज आर, अगर अपने को इक्विवेलेंस बताना है इसका मतलब दैट इज आर क्या होना चाहिए, आर इज रिफ्लेक्सिव, R is transitive and symmetric, और क्या होना चाहिए, transitive। अगर तुम्हारा रिलेशन R reflexive है, transitive है, symmetric है, तब मैं बोलूंगा कि जो R है ये क्या होगा मेरा equivalence relation। Clear? Yes, yes। अब मेरे को बताओ equivalence reflexive का मतलब क्या होता है, reflexive का मतलब ये होता है, याद है reflexive का मतलब ये होता है, तब मैंने A related to A, to A. A to A बोलो, या तो A A कहाँ belong करना चाहिए, R में। Yes sir। ना, अब मेरे को एक चीज बताओ, अब अपना relation ये, अगर मेरे को इसको reflexive बताना, अगर मेरे को reflexive बताना है, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, A A R में belong ये बताना पड़ेगा। Yes sir। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये गिवन है ए बी आर में है, इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय थ्री, अगर दो इंटीजर का डिफरेंस अगर तीन से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उस इंटीजर की जो ऑर्डर पेयर वो आर में बिलोंग कर रही है, ये इसका मतलब हो गया। यस सर। अब मेरे को ए ए आर में बताना है तो इसका मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय थ्री। यस सर।
अब मेरे को बता ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर कि a माइनस a कितना होता है जीरो, a माइनस a होता है ना जीरो, और ये हमेशा किससे डिविजिबल रहेगा, इज डिविजिबल बाय थ्री रहेगा, कोई भी इंटीजर से डिवाइड होगा जीरो। अगर a माइनस a डिविजिबल बाय थ्री है इसका मतलब a a का बिलोंग करेगा r में बाय इक्वेशंस का। यस सर, ये देखो a माइनस b डिविजिबल बाय थ्री इसका मतलब a भी r में आ रहा है, मैंने क्या बता दिया a माइनस a ये डिविजिबल बाय थ्री तो a का बिलोंग कर रहा r में, तो इसका मतलब r बन गया रिफ्लेक्सिव। यस सर, बोलो ये चीज हो गई क्लियर? यस सर। अब आता हूं मैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया था मैंने याद करो, अगर ए बी आर में है तो बी ए बी कहां होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यस सर, ए बी अगर आर में तो बी ए कहां रहेगा, आर में, तब अपन बोलेंगे सिमेट्रिक। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को बी ए आर में बताना है तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय थ्री बताना पड़ेगा। यस सर, ठीक है। तो ये देखो, तो पहले मैं ले लेता हूं a कॉमा b बिलोंग टू, अगर a भी r में है इसका मतलब होता है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3 हो गए। अगर a माइनस b डिविजिबल बाय 3 है, यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये बनेगा ना b माइनस b a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यस सर, क्लियर? क्या आएगा दिमाग में, क्या लिखा है? यस सर, ये देखो जैसे ये 6 माइनस 3 क्या आ रहा है, 3 हो रहा है 3 से डिवाइड। यस सर, अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाला तो मैंने कहा 3 माइनस 6 तो आंसर तो 3 आ रहा ना, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये तो डिवाइड होगा ही माइनस साइन कॉमन निकालने के लिए। यस सर, अगर b माइनस से अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो b कॉमा a या r में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। यस सर, करे। अगर b a r में आ गया तो इसका मतलब ये a भी r में है, b a भी r में आ गया तो इसका मतलब r तुम्हारा सिमेट्रिक बन गया। यस सर, ठीक है, r रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तीसरी क्या बन गई, ट्रांजिटिव। तीसरा तुम्हारा बन गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है याद करो, ट्रांजिटिव का मतलब बताया था मैंने ए बी बी सी अगर आर में है तो ए सी कहाँ होना चाहिए, आर आर में। अब मेरे को बताओ ए सी अगर आर में बताना है तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3 बताना पड़ेगा। यस सर, तो पहले जो गिवन है वो ले लेता हूं मैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ऑब्वियसली ए बी सी सभी इंटीजर है मेरे, ये आर में है, यानी ए बी अगर आर में है तो इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। यस सर, बी सी अगर आर में है तो इसका मतलब लिख सकता हूं बी माइनस सी इज आर आर डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ए बी बी सी आर में है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। ठीक है, अब मेरे को बताइए a माइनस b और b माइनस c दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है तो दोनों का सम भी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यस सर, इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस b प्लस माइनस b हो गया कैंसिल, तो क्या बचा a माइनस c इज डिविजिबल बाय 3। Yes, अगर a माइनस सी डिविजिबल बाय 3 इसका मतलब ये जो a कॉमा c ना बिलोंग करेगा r में, a b b c अगर r में लिया तो a c भी r में आ गया, इसका मतलब r क्या बन गया तुम्हारा, ठीक है, तो r तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब जो r देयरफॉर r क्या बन गया, r इज एन इक्विवेलेंस।
which is clear? Yes, sir. इस तरीके से अपन equivalence relation prove करेंगे, ठीक है? यानी equivalence अगर कभी भी अपने को अगर prove करना है, तो अपने को क्या बताना पड़ेगा? ये तुम्हारा क्या होना चाहिए? Reflexive, symmetric है, transitive, ठीक है? उसके बाद ये याद रखने का, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताया था मैंने? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। वैसे एक होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है? अगर ये रिलेशन आर को अगर बोलना है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, इसी को अगर मैं बोलूंगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, लेकिन कब? इफ आर तुम्हारा क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। दूसरा आर तुम्हारा होना चाहिए ट्रांजिटिव, और ये होना चाहिए तुम्हारा एंटीसिमेट्रिक। यानी अगर तुम्हारा आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, एंटीसिमेट्रिक है, तब मैं बोलूंगा कि आर क्या बन गया तुम्हारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तब मैं बोलूंगा कि आर क्या बन गया यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर? यस सर। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वही पार्शियल ऑर्डर के लिए रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है, एंटीसिमेट्रिक, यानी जो सिमेट्रिक है वो यहां से तुम्हारा बन गया एंटीसिमेट्रिक। क्लियर? यस सर। तो ये तुमको याद रखना है। चलो अब मैं आता हूं एग्जांपल। ये प्रॉब्लम जेसी 2020 बना है, ठीक है? यस सर। क्या बोल रहा है वो? लेट कैपिटल आर, क्या बोला है? कैपिटल आर विद सेट ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन ऑन सेट 1 2 3। सपोज ए रिलेशन आर, सर रिलेशन इज चोजन फ्रॉम आर एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव राउंड ऑफ 2 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी अपने को क्या दिया है? आर क्या दिया है? सेट ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन का आर क्या है? तुम्हारा एक सेट दिया है, ठीक है? विद अ सेट of all by relation on set, और वो relation कहाँ define हुए? Set 1 2 3 के ऊपर। अब उसमें से क्या किया? देखो पूरे relation का एक set बनाया, उस set को उसने capital R से denote किया। अब उस जो relation का जो set है उसमें से एक relation randomly आपने choose कर लिया। अब अपने को बताना है कि जो मैं relation randomly choose कर रहा हूँ वो क्या होना चाहिए? Reflexive। उसकी मेरे को probability निकालना है, उसकी मेरे को क्या निकालना है? Probability निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए तो पहले ये चीज कुछ डेफिनेट यानी सिंपल से चीज याद रखना है। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए विथ एन एलिमेंट ये होते हैं 2 to the power n², ठीक है? ये क्या है तुम्हारे? नंबर ऑफ रिलेशन। किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो वहां कितने रिलेशन पॉसिबल रहेंगे? 2 to the power n². क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मेरे को बता, सेट a में n एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट करने को होना। अब इस सेट में n एलिमेंट है इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पेयर कितनी रहेंगे? n ही रहेंगे। यस सर। n एलिमेंट है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पेयर तुम्हारी n रहेगी, ठीक है? अब टोटल रिलेशन कितने यहाँ पे, ठीक है? और अब पेयर कितनी रहेगी? अब भी मैंने कुछ देर पहले बताया a में 3 एलिमेंट है, b में 2 है, तो देयर आर वहां कितनी पेयर बनती है? 3 × 2 = 6 बनती है, यानी अपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये रिलेशन सेट a के ऊपर डिफाइंड हो रहा है जिसमें 1 2 3 है, तो यहाँ कितनी पेयर बनेगी? सपोज यहाँ पर n ले रहे हैं तो यहाँ कितनी पेयर बनेगी? n × n = n² बनेगी। यस सर। अब मेरे पास कितनी रिफ्लेक्सिव आ रही है? n, तो n स्क्वायर में से n माइनस करता हूं तो ये बन गई तुम्हारी नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर।
अरे ये देखो ये आर सेट ए टू सेट ए, ए में एन एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, टोटल कितनी पेयर बनेगी वहां, एन स्क्वायर बनेगी। यस सर। अब मेरे को बताओ सेट ए में एन एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट उससे बनाने को होना। अब एन एलिमेंट है तो इसका मतलब एन एलिमेंट एन से अपने वही एलिमेंट से अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा तो उसमें से ये एन माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगी मेरी नॉन रिफ्लेक्सिव प्लेयर पेयर बनी बनेगी क्या वहां पे। यस सर यस। ठीक है यही मैं बोला हूं। ठीक है अब क्या बोला है कि अब अपन करते हैं कि फॉर ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव अपने को क्या करना है रैंडमली एक रिलेशन चूज करना है और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव। तो फॉर ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव ऑल रिफ्लेक्सिव पेयर मस्ट बी प्रेजेंट एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिफ्लेक्सिव नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर यानी उसने क्या बोला रैंडमली आप चूज कर लो वो जो चूज की हुई जो रिलेशन है वो क्या होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव। अब उसमें देखो इसने तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव पेयर चूज करने के बारे में बोला बट नॉन रिफ्लेक्सिव के बारे में उसने कोई रिस्ट्रिक्शन दिया है क्या यहाँ पे नहीं दिया है। क्लियर तो ये भी पॉसिबिलिटी yes, होता है कि जब मैं कोई देयर आर टू पॉसिबिलिटी। ठीक है फॉर नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर एक ये होता है कि वो प्रेजेंट भी हो सकता है या तो वो अब्सेंट भी हो सकता है वहां पे यानी जो रिलेशन कंसिडर करूंगा वहां पे सारे के सारे रिफ्लेक्सिव पेयर भी हो सकती है या तो वहां उस रिफ्लेक्सिव के साथ नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर भी हो सकती है वहां पे। यस सर। ठीक है ना हाँ तो अब देयरफॉर यही मैं लिख लेता हूं अब उसमें से देयरफॉर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ये क्या बनेंगे अब देखो रिफ्लेक्सिव तो ये एक ही रहेगी वहां पे एक ही रिफ्लेक्सिव रहेगी एक से ज्यादा क्योंकि एक भी ऑर्डर पे अगर माइनस हो गया तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं कहना और नॉन रिफ्लेक्सिव मेरी कितनी आ रही है यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्सिव कितनी पेयर आ रही है एक और कितने अगर इतनी पेयर आ रही है तो वहां कितने रिलेशन बनेंगे टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बनेंगे ये इंटू करूंगा तो ये इसमें क्या आ गया रिफ्लेक्सिव वाला भी आ गया और नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर भी आ गया। यस क्लियर। ठीक है अब मेरे को एक चीज बताओ अब यहाँ पे कितने एलिमेंट दिया है यहाँ पे या तो फिर से मैं देख देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी इरिफ्लेक्सिव भी है तो ये बनेगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय टोटल कितनी आ रही है 2 टू द पावर n स्क्वायर बनेगा ये। यस सर। ठीक है अब इसको सॉल्व करता हूं इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं तो बताओ क्या बनेगा ये अपना n कितने एलिमेंट है यहां पे 3 है 3 तो ये देखो बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 स्क्वायर ऐसा ही आएगा। यस यानी 2 टू द पावर 3 स्क्वायर एंड 9 माइनस 3 यानी बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ये 9 बनेगा। यस सर। यानी ये बनेगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 3। यस सर। यानी 1 अपॉन 8। यस सर। ये बनेगा 10.125 ऑप्शन ए जो भी है ये कैसा है करेक्ट। यस सर। ठीक है ये अब भी आया हुआ 2020 ये देखो सीएसई 2019 बताओ क्या बोला है हेलो हाँ सर स्लाइड चेंज।
जी कह रही है कार्बोरेटरी ग्रुप दिया है, जी दिया है कार्बोरेटरी ग्रुप। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन जी, R1 therefore all AB belong to G, A related to B by R1, if and only if there is G belong to G such that A equal to G equals BG. R2 for all AB belong to G, A related to B by R2, if and only if A equal to B inverse. तो इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस है या नहीं है अपने को बताना है। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों आना चाहिए। और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी
हेलो हाँ बोल। सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? क्या बोला रहा है कि पहले अपन आर वन के बारे में सोचते, बाद में आर टू के बारे में। एबीजी के मेंबर है, जी तेरा आर्बिट्री ग्रुप दिया है, उसने ये बोला है कि जो आर वन है, ठीक है, आर वन यानी उसने ये ऐसा दिया है कि ए बी, ठीक है, सच है, ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी इनवर्स बी जी, ठीक है, यहाँ देर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, ये इसने दिया है। इसका मतलब ये है कि ए बी आर वन में कब बिलोंग करेगा, जब ए इक्वल टू जी इनवर्स बी जी रहेगा, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर आर वन में कब रहेगा, जब ए इक्वल टू क्या रहेगा, जी इनवर्स बी जी, क्लियर ये चीज, यस सर। ठीक है। इसी का अपन इस्तेमाल करके अपन इसको इक्वेलेंस बताएंगे। इक्वेलेंस का मतलब पहले मेरे को रिफ्लेक्सिव बताना पड़ेगा। यस सर। रिफ्लेक्सिव का मतलब मेरे को ए कॉमा ए आर वन में भी बताना पड़ेगा। अब यस सर। मेरे को बता, ए बी आर वन में अगर होगा तो इसका मतलब ए इक्वल टू जी इनवर्स बी जी आता है। यस सर। तो अगर मेरे को ए आर में बताना है तो मेरे को ये बताना पड़ेगा ए इक्वल टू जी इनवर्स ए जी। देख, अगर ए इक्वल टू जी इनवर्स बी जी है, इसका मतलब ए बी आर वन में, ए इक्वल टू जी इनवर्स बी जी है तो ए बी आर वन में है। अगर मेरे को ए आर वन में बताना है तो मेरे को ए इक्वल टू जी इनवर्स ए जी बताना पड़ेगा। बोलो, यस सर। ये चीज हो गई क्लियर? यस सर। अब ठीक है, अब ये देखो, मैंने ये ए लिया, ए ले लिया, ए इक्वल टू ए लेता हूं मैं यहां पे। बोलो, कोई डाउट है? ए इक्वल टू ए रहेगा, यस सर। ठीक है, ए इक्वल टू मैंने ए लिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ए इक्वल टू जी इनवर्स ए, अगर तो आर में बना ए, ए इक्वल टू कौन सा ग्रुप बोला है उसने? आर्बिट्री ग्रुप बोला है। आर्बिट्री ग्रुप बोला है, इसका मतलब मैं यहाँ ले सकता हूँ ए इक्वल टू जी इनवर्स बी, ये ला लेता हूँ यहाँ पे, कैसे कर सकते हैं, ई ले लिया, ई ले लिया, चलो देख लेते हैं। चलो ए इक्वल टू ए आया, क्लियर ये चीज, ठीक है। अब मेरे को बता, ये स्मॉल जी कहाँ का मेंबर है, ग्रुप जी का मेंबर है ये यस सर। जी, ये जी का मेंबर है तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी जी में ही रहेगा, बिकॉज जी ग्रुप है, ठीक यस सर। है। और वहां एक आइडेंटिटी भी होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। यस सर। अरे होता है क्या ये, होता कि नहीं यस होगा सर। ये? हाँ, तो ये ए, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए इक्वल टू, यहाँ मैं ले लेता हूँ इसको, पहले अपने को चाहिए जी इनवर्स, अपने को लेफ्ट साइड में चाहिए जी इनवर्स, तो यहाँ मैं जी जी इनवर्स लिख सकता हूँ ए, हो गई चीज क्लियर, यस सर। ठीक है।
अब ये जी अपन क्या करते हैं, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको ए लिखा है यहाँ पे, इसको मैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय जी करता हूँ, तो ये ए जी इक्वल टू ये बनेगा तेरा यहाँ पे ए जी जी इनवर्स जी यस सर। आगे। लेकिन यहाँ पे तो वही आ रहा है ना, यहाँ पे अपने को ए ए अपने को ए इक्वल टू ए बताना है, जी इनवर्स जी इक्वल टू ए की अपने को बताना है। आरबीडी ट्री ग्रुप बोला है ना, आरबीडी ट्री ग्रुप बोला है क्या? अभी ये एक मिनट तो थोड़ा परफॉर्मेंस चेक करता हूँ, एबिलिटी बोला तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे आर्बिट्रेटर में भी लिख रहा है पे टू एक ले अरे हाँ ये देखो ये ऐसा आएगा नहीं, ये अगर अपने ए ले लिया नहीं यार आर्बिट्री नहीं है एबिलियन ग्रुप। एक मिनट बेटा ये रुक जा, मैं ये चेक करता हूँ, ये आर्बिट्री के एबिलियन ग्रुप है ठीक है, एबिलियन ग्रुप हुआ तो ये प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं बीजी को इधर ला दूंगा ये ऐसा बन जाएगा, ये ए इक्वल टू अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए ही ले लेता हूँ तो ये बन गया ए ई एन ए, यहाँ लिखूंगा मैं
जी इनवर्स जी एबिलियन ग्रुप बुलाया तो इसका मतलब जी इनवर्स ए ए, ठीक है, इसका मतलब ये ए इक्वल टू ए जी इनवर्स ए जी आगे, इसका मतलब ये ए। एक रुको मैं थोड़ा कुछ देर के बाद बताता हूँ, ये आर्बिट्री है एबिलियन, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये उसको भी मेरे को लगता है ये एबिलियन होना चाहिए क्योंकि ये आर्बिट्री ग्रुप आ रहा है, आर्बिट्री ग्रुप में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ये प्रॉब्लम मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ, रुको, ये वाला प्रॉब्लम। ए बाइनरी रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन इज डिफाइंड एज ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ, ए बी रिलेटेड टू सी डी यहां दिया है, देखो ये दिया है ए लेस देन और इक्वल टू सी, ए लेस देन और इक्वल टू सी है वो, ए लेस देन और इक्वल टू सी है, और बी लेस देन और इक्वल टू बी है, देन कंसीडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, आर इज रिफ्लेक्सिव आर इज ट्रांसलेटिव, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये उसने देखो ये दिया है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, अब इसमें सिंगल एलिमेंट नहीं, अब उसने जो रिलेशन बनाया ऑर्डर्ड पेयर के बीच में बनाया, और ए बी रिलेटेड टू सी डी ये कब होगा, जब ए लेस देन और इक्वल टू सी रहेगा और B less than or equal to D रहेगा, ये तुम्हारा रिलेशन गिवन है, ये अपने को रिलेशन गिवन दिया है और अपने को बताना है कि ये R reflexive है या transitive है। Reflexive का मतलब ये याद रखना है, reflexive का मतलब ये होता है कि A related to A, अब यहाँ पे देखो यहाँ जो एलिमेंट है वो तुम्हारी ऑर्डर पेयर है, तो reflexive के लिए मेरे को बताना पड़ेगा ए बी रिलेटेड टू ए बी, रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को बताना पड़ेगा ए बी रिलेटेड टू ए बी, अब सोचो ये मेरे पास गिवन है तो ए बी रिलेटेड टू ए बी कैसे प्रूव करें, देखो अगर मेरे को ए बी रिलेटेड टू ए बी, देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी इसका मतलब होता है ए लेस देन और इक्वल टू सी और बी लेस देन और इक्वल टू डी, अगर मेरे को ए बी रिलेटेड टू ए बी बताना है तो इसका मतलब मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा ए लेस देन और इक्वल टू ए और बी लेस देन और इक्वल टू बी, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ कि ए बी रिलेटेड टू ए बी ये क्लियरली ये चीज ट्रू है, ए रिलेटेड टू ए और बी रिलेटेड बी लेस देन और इक्वल टू बी, ये चीज करेक्ट है? यस सर। अगर ये चीज करेक्ट है तो इसको देख के मैं लिख सकता हूं कि ए बी रिलेटेड टू ए बी, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी आ गया, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि आर क्या हो गया तुम्हारा, आर यानी तुम्हारा जो पी हो गया ये क्या बन गया, पी यानी तुम्हारा आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी ये तुम्हारा जो आर है ये क्या बन गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। अब यहां देखो पी ट्रू है या पी फॉल्स है तो ये गलत हो गया, बोथ पी क्यू फॉल्स हो गया और यहाँ दोनों ट्रू बोला। अब अपन क्यू के बारे में चेक करते हैं, अब क्यू के बारे में अगर चेक करना है तो ट्रांजिटिव का मतलब याद करो, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी B related to C, इसका मतलब होता है A related to C। Yes sir। अब ये तो सिंगल एलिमेंट हो गए, अपन यहाँ ordered pair के बारे में बात कर रहे हैं, तो ordered pair को अगर ये ordered pair का relation मुझे transitive बताना है, तो इसका मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि AB related to CD है।
सीडी रिलेटेड टू ईएफआई, तो इसका मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि ए बी रिलेटेड टू ईएफ बताऊंगा तब मैं बोलूंगा कि ट्रांजिटिव बन गया। यस सर। ठीक है, अब मेरे को पता ए बी रिलेटेड टू ईएफ, ये बताने के लिए मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ए लेस देन और इक्वल टू ई और बी लेस देन और इक्वल टू एफ। अगर मैंने ये बता दिया तब मैं बोल सकता हूं कि ए बी रिलेटेड टू ईएफ। यस सर। ठीक है, अब तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई एफ। अब ए बी रिलेटेड टू सी डी इसका मतलब ये है कि ए लेस देन और इक्वल टू सी और बी लेस देन और इक्वल टू डी, ये चीज होगी। यस सर। है ना, वैसे सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो इसका मतलब होता है ये कि सी लेस देन और इक्वल टू ई और डी लेस देन और इक्वल टू एफ। ठीक है, अब मेरे को बता ए लेस देन और इक्वल टू सी है, सी लेस देन और इक्वल टू ई है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही बनेगा ए लेस देन और इक्वल टू सी लेस देन और इक्वल टू ई। यस। और ये ऐसा बनेगा बी लेस देन और इक्वल टू डी लेस देन और इक्वल टू एफ बनेगा। यस सर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए लेस देन और इक्वल टू ई। यस सर। और इसको लिख सकता हूँ बी लेस देन और इक्वल टू एफ। यस सर। अगर a less than or equal to e आया और b less than or equal to f आया, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ab related to ef। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा ट्रांजिटिव बन गया। हां सर। ठीक है, यानी ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब a और b यानी बोथ p q r तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी ये b कैसा हो गया, गलत। क्लियर? यस सर। तो करो आगे। यस सर। ये देखो, चलो फिर इसको बता दो, फिर से देखो,
हेलो हेलो यस सर वो आ गया नो सर ये देखो फिर से इसने ऑर्डर पेयर है इसका मतलब ये दिया है उसने कि पी क्यू इज रिलेटेड टू आर एस पी क्यू ये ऑर्डर पेयर आर एस से रिलेशन कब बना रही है जब पी माइनस एस is equal to q minus r ठीक है ये रिलेशन हमने को दिया है क्लियर अब अपने को बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो अपन रिफ्लेक्सिव के बारे में बताते हैं देखो पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव चेक करना है इसका मतलब मेरे को ये बताना पड़ेगा कि पी क्यू रिलेटेड टू पी क्यू यस सर अब पी क्यू रिलेटेड टू पी क्यू बताना है इसका मतलब मेरे को ये बताना पड़ेगा देखो पी क्यू रिलेटेड टू आर एस इसका मतलब पी माइनस एस किसके बराबर होना चाहिए क्यू माइनस आर के क्लियर पी माइनस एस यानी फर्स्ट और फोर्थ इनका डिफरेंस सेकंड और थर्ड के डिफरेंस के जब बराबर रहेगा तब पी क्यू आर एस से रिलेशन बना रहा है अब PQ related to PQ मेरे को बताना है तो मेरे को बताएंगे first four इसका मतलब P minus Q ठीक है ये किसके बराबर रहने को होना Q minus P yes, sir. मेरे को मतलब P minus Q और Q minus P कभी सेम हो सकते हैं क्या no, अरे P minus Q और Q minus P कभी सेम होंगे क्या No, P minus Q is not equal to Q minus P तो इसी का मतलब ये रहेगा कि PQ is not related to PQ अब PQ is not related to PQ इसका मतलब ये reflexive रहेगा क्या not reflexive बोलो हो गई ये चीज क्लियर यस सर ठीक है अब यहाँ बहुत reflexive symmetric के नहीं पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया reflexive बोला तो ये भी गलत हो गया अब नॉट रिफ्लेक्सिव बोला है तो सी और डी में से अपन चेक करते हैं अब सिमेट्रिक के बारे में अपन चेक करते हैं सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है ए बी रिलेटेड टू द बी सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर पी क्यू रिलेट कर रहा है आर एस से तो आर एस बी किससे रिलेट करना चाहिए पी क्यू से है ना अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पी क्यू अगर आर एस से रिलेट कर रहा है तो आर एस बी किससे रिलेट करना चाहिए पी क्यू से तो अब देखो अगर आर एस पी क्यू से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब मेरे को बताना पड़ेगा फर्स्ट माइनस फोर्थ यानी आर माइनस क्यू ये किसके बराबर आने को ना सेकंड माइनस थर्ड अगर मैंने इतना बता दिया तब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि आर एस इज रिलेटेड टू पी क्यू बोलो ये चीज हो गई थी यार यस सर ठीक है ना अब ये देखो पी क्यू रिलेटेड टू आर एस ये मेरे पास गिवन है पी क्यू रिलेटेड टू आर एस इसका मतलब ये होता है कि पी माइनस एस इज इक्वल टू क्यू माइनस आर क्यू माइनस क्यू माइनस आर क्लियर ठीक है हाँ इसी का मतलब ठीक है अब मैंने क्या किया लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर लिया तो क्यू माइनस आर इक्वल टू पी माइनस एस लिख सकता हूं यस माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये बनेगा माइनस आर माइनस क्यू इज सेम है यहां से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये बनेगा एस माइनस पी यस सर माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो क्या बना आर माइनस क्यू इक्वल टू एस माइनस पी आ गया मेरा रिजल्ट और आर माइनस क्यू इज इक्वल टू एस माइनस पी आ गया तो मैं यहां से लिख सकता हूं आर एस रिलेटेड टू पी क्यू
यस सर ठीक है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या बन गया, सिमेट्री। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं बट सिमेट्रिक है। तो कौन सा ऑप्शन, ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बोला तो ये गलत हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक है, ऑप्शन सी कैसा होगा यहां पे करेक्ट। क्लियर? यस सर। हाँ, ये प्रॉब्लम देखो मैं बताता हूँ, ये वाला इसको आर्बिट्री रहने देते, या उसने देयर एग्जिस्ट बोला है ना, देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक एलिमेंट अपने को जी में ऐसा मिलेगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करने को। ये देखो भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए अपने को ये प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को ये बताना पड़ेगा a = g इनवर्स ag, g कहां पर बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट, g बिलोंग टू g, ठीक है। तो a = मैं लिख सकता हूं क्या, ये देखो a = मैं लिख सकता हूं क्या e, a e लिख सकता हूं, वेयर e इज द आइडेंटिटी ऑफ g, e क्या होगी आइडेंटिटी। और याद करो आइडेंटिटी का मतलब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही एलिमेंट आने वाला है, क्लियर ये चीज। yes, और आइडेंटिटी yes, का इनवर्स भी आइडेंटिटी ही होता है, याद रखने का। इसका मतलब ई जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ई इनवर्स ए ई। यस सर। इसका मतलब मेरे को जी में एक, देखो ये ई कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में, यानी मेरे को जी में ऐसा मेंबर मिल गया जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, a इक्वल टू e इनवर्स ae। अगर ये कंडीशन आ गई इसका मतलब ये होता है कि aa कहाँ बिलोंग कर रहा है तुम्हारा, r1 में। अगर a r1 में आ गया तो r1 क्या बन गया तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव आ गया। क्लियर? यस सर। ठीक है। अरे मैंने देखो वहां बोला देयर एग्जिस्ट बोला है, यानी इस g में कम से कम एक मेंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, g इक्वल bg। अब देखो मैंने एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया तो a इक्वल टू e इनवर्स a, यानी आइडेंटिटी भी एक एलिमेंट है कि नहीं अपना g का। यस सर। और उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, तो इसका मतलब ये बन गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि अगर ए बी आर में है, अगर ए बी आर वन में है तो बी ए भी कहां होना चाहिए, आर वन में होना चाहिए। यस सर। अगर बी ए आर वन में है बताना है मेरे को, इसका मतलब मेरे को ये बताना पड़ेगा, देखो ए बी आर वन में है इसका मतलब ए इक्वल टू जी इनवर्स बी जी आ रहा है, वही अगर मेरे को बी ए अगर आर वन में बताना तो मेरे को बताना पड़ेगा बी इक्वल टू जी इनवर्स ए जी। यस सर। ठीक है। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, ए बी मैंने आर वन है, जी तुम्हारे कोई भी एक कम से कम एक मेंबर मेरे को जी में ऐसा मिलेगा, ए बी आर वन में है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू जी इनवर्स बी जी। क्लियर? यस सर। अब मैंने जी से प्री मल्टीप्लाई किया, प्री यानी पहले, तो ये बनेगा जी ए इक्वल टू जी जी इनवर्स बी जी। यस सर। क्लियर? तो ये बना जी ए। अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ जी इनवर्स, ये बना जी जी इनवर्स बी, यहाँ आएगा जी जी इनवर्स। यस सर। अब ये बताओ ये आ गया तुम्हारा इक्वल टू जी ए जी इनवर्स, ठीक है, जी जी इनवर्स ई होता है। यस सर। ई बी ये भी ई आ गया। यस सर। ठीक है, जी ए जी इनवर्स तो ई बी ई तुम्हारा बी बनेगा। यस। अब ये देखो याद करो, ये ए बी और बी ए, ए बी बी ए अगर ई आ रहा है, ए बी बी ए अगर ई आ रहा है तो अपन बी को बोलते इनवर्स ऑफ ए। यस सर। ठीक है, और ये याद रखने का इनवर्स ऑफ इनवर्स वही एलिमेंट होता है। यस सर। ठीक है, तो ये तो जो जी को है, ये जी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा, ये जो तुम्हारा जी हो गया, ये तुम्हारा जी इनवर्स इनवर्स ए जी इनवर्स लिख सकता हूँ इक्वल टू बी। यस। ठीक है, तो अपन एक काम कर लो,
लेट जी इनवर्स को मैं एक एलिमेंट एच ले लेता हूं, इसको एच बोल दो, तो ये तुम्हारा आ गया एच इनवर्स ए एच इक्वल टू बी। यस सर, इसी के जैसा आया कि बी इक्वल टू जी इनवर्स ए जी, अब जी के जगह एच आया, तो एच इनवर्स ए एच इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब बी ए कहां बिलोंग करेगा तुम्हारा आर वन में, इसका मतलब आर वन क्या हो गया सिमेट्री। यस बोलो, कोई डाउट यहां तक? क्लियर। अब तीसरा है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का मतलब अगर ए बी आर में है, ए बी बी सी अगर आर में है आर वन में, तो अपने को ए सी भी आर वन में बताना पड़ेगा, तब अपन बोलेंगे ट्रांजिटिव। अरे क्लियर? यस सर, यस सर। अगर ए सी आर वन में बताना है तो मेरे को ये बताना पड़ेगा ए बी अगर आर में वन में है तो ए इक्वल टू ए, ए सी अगर आर में बताना तो मेरे को ये बताना पड़ेगा ए इक्वल टू जी इनवर्स सी जी, ये बताऊंगा तब मैं बोलूंगा ना। हाँ, तो अब ये देखो ए बी बी सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये होता है कि ए इक्वल टू जी इनवर्स बी जी, और ये लिखूंगा B इक्वल टू G इनवर्स C G। क्या सर? एक G ले लो और यहाँ पे मैं दूसरा मेंबर H ले लेता हूँ, तो जरूरी है H इनवर्स C। क्लियर? बोलो क्या यहाँ पर? ये इसका मतलब होगा ना? अब आपको yes. A इक्वल टू G इनवर्स C G बताना है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं यहां पे, अब मैं यहां पे बन जाता अपने को क्या बताना पड़ेगा ए, अब इसको मैं जी इनवर्स यहां लिख लेता हूं बी जी जी, यानी प्री मल्टीप्लाई बाय जी इनवर्स कर रहा हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय जी कर रहा हूं, ये बनेगा जी इनवर्स ए इनवर्स सी, ये बनेगा तुम्हारा एच। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई मैंने एच इनवर्स से किया और यहां बनेगा एच जी, बनेगा ये प्री, यानी पहले मैंने इसको जी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बाद में जी से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मैं पहले जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा बाद में जी से मल्टीप्लाई करूंगा, यस, बट जी इनवर्स बी जी ये तुम्हारा ए हो गया, यस सर, और जी इनवर्स एच इनवर्स ये अपन ने देखो ग्रुप थ्री में पढ़ाया था मैंने, एक्स वाई इनवर्स इज सेम एज वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, यस सर, यस। ठीक है, तो ये जो जी एच है इसको मैं लिख सकता हूं एच जी इनवर्स सी, और यहां लिखूंगा एच जी, यस सर। अब मेरे को पता एच और जी ये दोनों जी के मेंबर है, जी ग्रुप है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एच जी तुम्हारा जी में बिलोंग करेगा, यस सर। और ये जी को मैं क्या कर लेता हूँ लेट, जी को मैं पी बोल लेता हूँ लेट जी इक्वल टू एच जी, इसी का मतलब ये ऐसा बनेगा ए इक्वल टू पी इनवर्स सी पी, यस सर। अगर पी इनवर्स सी पी अगर ए इक्वल टू पी इनवर्स सी पी आ गया तो यहां से अपन बोल सकते हैं ना कि देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग टू आर वन, आ गया, यस सर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब ये क्या बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जो तुम्हारा आर है ये वन क्या बन गया तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो ये चीज हो गई क्लियर? यस सर। अब आर टू के बारे में बोलते हैं, अब आर टू रिलेशन क्या बोला, आर टू रिलेशन ये बोलता है, ये आर टू में दूसरे एक से बता एक R2 रिलेशन ये बोलता है कि AB R2 में रहेगा लेकिन कब, जब A इक्वल टू B इनवर्स रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा R2 का मतलब दिया इसने। Yes. क्लियर? अब मेरे को पहले R2 को इक्वेलेंस है या नहीं है मेरे को चेक करना है, तो इक्वेलेंस के लिए पहले मेरे को रिफ्लेक्सिव बताना पड़ेगा बाद में सिमेट्रिक बाद में ट्रांजिटिव। क्लियर? यस सर।
ठीक है, और यहाँ फॉर ऑल बोला है ना, सभी इस जे के सभी एलिमेंट ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, देयर एग्जिस्ट बोला रहता तो प्रॉब्लम आया रहता, लेकिन फॉर ऑल बोला है। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव बोलना है, अगर मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव बताना है तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि ए बिलोंग टू आर टू। यस सर। अब मेरे को बता, ए बिलोंग टू आर टू इसका मतलब मेरे को बताना पड़ेगा ए इक्वल टू ए इनवर्स। यस सर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, और ये ग्रुप क्या दिया है तुम्हारा, आर्बिट्री ग्रुप यानी कैसे भी ग्रुप दिया है, कोई स्पेशल यानी कंडीशन नहीं लगाई है। ठीक है, ए आर टू में अगर मेरे को बताना है तो इसका मतलब मेरे को ए इक्वल टू ए इनवर्स, यानी कोई भी एक एलिमेंट लोगे वो खुद का इनवर्स होना चाहिए, एवरी एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यानी ए इक्वल टू ए इनवर्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, ए इक्वल टू ए इनवर्स ये एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई करता है, वो है तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट। यस सर। आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है ए इक्वल टू इनवर्स, बट ये तुम्हारा आर्बिट्री ग्रुप दिया है, इसका मतलब इस आइडेंटिटी के अलावा भी बाकी एलिमेंट होंगे इस सेट में, इस ग्रुप में। यस। अब ये तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन बाकी एलिमेंट ए इक्वल टू ए इनवर्स होता है क्या, वो होता है पॉसिबल ही नहीं है। अरे यस सर, टू है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, मैं टू ले लिया, ठीक है, तो टू का आइडेंटिटी इनवर्स होता है माइनस टू। यस सर। ये दोनों कभी सेम होते हैं? नो सर। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब आइडेंटिटी छोड़ के बचे हुए एलिमेंट इस ग्रुप के ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे क्या? नो सर, नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव बनेगा क्या? नो सर। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि उस सेट के या उस रिलेशन के, उस सेट के हर एलिमेंट ने एक कंडीशन सेटिस्फाई करने को ना, बट उस सेट का एक ही एलिमेंट वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो है ई, लेकिन एक एलिमेंट से काम नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब उस सेट के हर एलिमेंट ने कंडीशन सेटिस्फाई करने को ना, बट एक एलिमेंट कर रहा है, बचे हुए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बचे हुए सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रहेगा क्या? नहीं। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रहने वाला है क्या? नो सर। तो इसका मतलब R2 is not equivalence relation, तो इसका मतलब equivalence relation कौन सा आ रहा है सिर्फ R1, यानी option B का ऐसा हो गया यहाँ पे, करेक्ट हो गया। Clear? Yes sir। कोई doubt यहाँ तक अभी? No sir। ठीक है, तो आज का lecture मैं यहीं पे stop करता हूँ, जो बचे हुए problem है थोड़े वो अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर कल से ही कुछ नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। डाउट है? हाँ, कोई डाउट है अभी तक लेक्चर में जो हुआ है? नो सर। थैंक यू सो मच, हैव गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय।